हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक सीगेट 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई है कि ये चलने के दौरान टिक टिक की आवाज़ निकाल रही है, और ये जो है ना, इसके अंदर जो डाटा है वो हम इसको हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहे। तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया है। बेसिकली जब टिक टिक की आवाज़ आती है तो इसका जो हेड है वो पैटर्स के ऊपर जो ना सही काम नहीं करता और फंस जाता है। तो उसी चीज़ को हम जो ना आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में हमारा बहुत ज़्यादा कीमती डाटा हो सकता है। आमतौर पर हम ख़राब हार्ड डिस्क समझ के उसको फेंक देते हैं। तो इसका आसान हल क्या होता है इसको रिपेयर करने का? सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको इसकी क्या सूरत हाल है। तो हम इसको अब केबल लगाते हैं, यहाँ से ये लगाई, इधर से जो है हम इसको इसकी पावर देते हैं। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, आइए चलते हैं इसको सोल्यूशन देखते हैं इसको कैसे। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा इसके पेचेस को, पेच जो है इसके खोलने पड़ेंगे। मैंने कुछ तो खोल दिए हैं। अभी इसका मेन एक पेच होता है यहाँ पर, इसके नीचे होता है, ठीक है ना? यहाँ पर किसी जगह पर है ना, इसका एक पेच होता है, ये पेच है इसका, इस जगह पर। वो हम यहाँ से सुराख करेंगे स्टिकर के नीचे से, तो उसको खोलेंगे, तब तो हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं।